बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन लेवल 4। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 2। टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी, पार्ट 1, आवर सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ रिकॉल पॉइंट्स हैं, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। द बॉडी कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स, इंसानी जिस्म कई ऑर्गन्स पर, कई अज़ा पर मुश्तमिल है। द ऑर्गन्स इनेबल द सिस्टम ऑफ द बॉडी टू फंक्शन, ये जो ऑर्गन्स हैं ये इंसानी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो काम कर सके, फंक्शन काम कर सके। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इंसानी दिमाग जो है वो इंसानी जिस्म का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। सो यू विल लर्न दैट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम जानदार अशिया सेल से मिलकर बनती हैं। टिश्यूज़ आर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ जो हैं वो एक ख़ास किस्म का ग्रुप हैं सेल्स का, विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, जो एक जैसा काम करते हैं। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स, टिश्यूज़ का ग्रुप जो इकट्ठे काम करता है, इकट्ठे मिलकर काम करता है, उसको ऑर्गन्स कहते हैं। ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, हर ऑर्गन का अपना एक ख़ास मखसूस काम है। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स का अज़ा का ग्रुप मिलकर काम करता है इकट्ठे, एज एन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के तौर पर। और मसल्स इन बोन्स वर्क टुगेदर एज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारे मसल्स पट्टे और हड्डियाँ मिलकर काम करते हैं एक उजलाती निज़ाम के तौर पर, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स की कुछ मुख्तलिफ अकसाम हैं, लाइक स्मूथ कार्डियक एंड स्केल्टल मसल्स। वी नीड टू लुक आफ्टर आर बोन्स सो दे डू नॉट ब्रेक, हमें अपनी हड्डियों की केयर करनी चाहिए ताकि वो ना टूटें। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने इस जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हमने पढ़ा कि इंसानी जिस्म जो है वो कई सेल्स के से मिलकर बनता है, और सेल्स जो हैं वो टिश्यू क्रिएट करते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो एक सेल्स का ग्रुप होता है, यानी कि सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, और जो टिश्यूज़ हैं ये एक सिमिलर जॉब करते हैं, और जो टिश्यूज़ का ग्रुप्स होता है वो मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यूज़ का जो ग्रुप है वो मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, ठीक है। और हर ऑर्गन का एक अपना स्पेशल फंक्शन है, एक अपना काम है, जैसे दिमाग एक ऑर्गन है, ब्रेन उसका एक अपना काम है, स्टोमक एक ऑर्गन है उसका एक अपना काम है, एंड आपका हार्ट एक ऑर्गन है उसका एक अपना काम है। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर, और हमारे जो पट्टे और बोन्स हैं वो भी मिलकर जो है एक अज़लाती निज़ाम के तौर पर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। और इसके अलावा मसल्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। और लास्ट पॉइंट यह है कि हमें अपनी हड्डियों की केयर करनी चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे कि हड्डियों की केयर कैसे की जाती है, लाइक कैल्शियम रिच फूड्स और इस तरह का जो हेल्दी फूड है कैल्शियम से भरपूर वो लेना चाहिए, जो कि हड्डियों के लिए बेस्ट है। हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज सेल्स। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम जानदार अशिया की तरह इंसानी जिस्म भी मिलकर बना है सेल्स से। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स,
सेल्स जो हैं वो छोटी छोटी बिल्डिंग यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयां हैं किसी भी जानदार अशिया की तामीर के लिए। लाइक जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगती हैं और उन ईंटों के ज़रिए एक इमारत खड़ी होती है। सो उन ईंटों को हम बिल्डिंग यूनिट्स इकाइयां कह सकते हैं, यानी उन ईंटों के ज़रिए इमारत खड़ी है। सो सेल्स भी जस्ट लाइक ब्रिक्स यू कैन से कि वो उन ईंटों की तरह होते हैं जिस पे बॉडी सर्वाइव करती है। वी हैव बोन सेल्स, हमारे पास कौन कौन से सेल्स हैं? बोन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं एंड ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल्स। हड्डियों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जिंदा होते हैं। ये कुछ स्केचेस आपको दिए गए हैं अबाउट सेल्स, लाइक यहाँ आप देख सकते हैं नर्व सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ये बोन के अंदर आप ब्लड देख सकते हैं, ये इस टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। एंड एपिथेलियल सेल्स, ये आपकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि आपकी स्किन के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, उनकी प्रोटेक्शन का काम करती है। सो दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज। टिश्यूज, जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। सेल्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर ग्रुप बनाते हैं और इससे क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। टिश्यू को फॉर्म करने के लिए वो ग्रुप बनाते हैं। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। टिश्यू जो है वो एक ख़ास किस्म का ग्रुप है सेल्स का जो कि एक जैसा काम करते हैं। टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। अब ये टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। यहाँ से एक आपका इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, अपने पास हाइलाइटर रखा करें जिससे आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर दें, ताकि अगर कभी आपको दोबारा से पढ़ना पड़े तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता हों कि जो टिश्यूज़ हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा अगर आपको MCQs या आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर कर सकें, ठीक है। सो टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। टिश्यूज़ की जो एग्जाम है वो मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस एंड एपिथेलियल। बोन एज ए कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो हड्डियाँ जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाती हैं। सो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ जो है टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नर्वस टिश्यूज़, ये आपके ब्रेन से रिलेट करते हैं, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन जो होती है। देन मसल सेल्स, मसल टिश्यूज़, कार्डियक मसल्स लाइक आपका दिल के जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स हैं उनको आप मसल टिश्यूज़ बोलेंगे, ठीक हो गया। देन एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जिसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि आपकी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है, जो आउटर कवर है, जो आउटलाइन है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़, बोन टेंडन्स। लाइक आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे जैसे और यहाँ पे ऐसे टिश्यूज़ जो रेशा नुमा होते हैं, टेंडन्स लाइक ऐसे पट्टे जो धागों की तरह होते हैं, जो सख्त पट्टे होते हैं। आप कभी अपनी ये लेग की ये वाली साइड देखें तो यहाँ के जो पट्टे होते हैं ये काफ़ी सख्त किस्म के होते हैं। तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये हड्डियों और जो गोश्त को आपस में जोड़े रखते हैं। सो द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, टिश्यू टाइप्स, डिफरेंट जो टिश्यू टाइप्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, इनको देख लेते हैं। टाइप ऑफ टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, आपको मूव करने में, हरकत करने में मदद देते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़, गिव्स शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गन्स को शेप देते हैं और उनको एक जगह पर
स्टे करने के लिए, होल्ड करने के लिए, यानी कि उनको उनकी जगह पे कायम रखते हैं। नर्वस टिश्यू सेंड सिग्नल्स टू एन फ्रॉम द ब्रेन। नर्वस टिश्यू जो हैं वो सिग्नल्स लेके जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल्स लेकर आते हैं बॉडी तक। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि आपके जो इनर सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। टर्न द पेज। ऑर्गन्स। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक टिश्यू बनाता है, और ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब टिश्यूज का जो ग्रुप है वो मिलकर एक ऑर्गन बनाता है। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क्स टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्यूज का ग्रुप जो मिलकर काम करते हैं ऑर्गन कहलाता है। द बॉडीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म के जो काम हैं वो किए जाते हैं किसके ज़रिए? ऑर्गन्स के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द हार्ट इज़ इन ऑर्गन। मिसाल के तौर पर दिल जो है वो एक ऑर्गन है, मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का बना हुआ। दैट कंट्रैक्ट्स, जो सुकड़ता है, टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो दिल जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुंचाने के लिए, उसकी रसाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन इन वर्क्स कंस्टेंटली। और ये बहुत ताकतवर ऑर्गन है और ये लगातार काम करता है। क्या लगातार काम करता है? पहले वो सुकड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन वो रिलैक्स करता है। जस्ट आपने कहीं पढ़ा होगा कि हार्ट इज़ लाइक योर फिस्ट, साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आप ये कह सकते हैं जैसे आप मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं, तो इस तरीके से पहले हार्ट सुकड़ता है ब्लड को की पंपिंग के लिए, देन रिलैक्स करता है, तब वो सारा जो खून है दोबारा दिल में आ जाता है, वो फिर सुकड़ता है, फिर सारा खून बॉडी तक जाता है। सो ये जो प्रोसीजर है ये जारी रहता है, इट वर्क्स कंस्टेंटली। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म में कहीं ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट एंड स्टोमिक। ठीक है, आपके मेन ऑर्गन्स हैं, ब्रेन अपना एक स्पेशल काम करता है, लंग्स फेफड़े जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं, किडनीज फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एंड हार्ट, हार्ट बीटिंग ब्लड पंप करता है, एंड स्टोमिक डाइजेस्टिव सिस्टम आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। सो ऑर्गन सिस्टम। ओके, इससे पहले हम एक लाइक यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर द फाइव सेंस ऑर्गन्स आर द आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। ये हम पहले ही क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं फाइव सेंसेस के बारे में, साइट सेंस एंड स्मेल, टच, टेस्ट वगैरह। सो डू यू नो देर आर मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान की जिस्म में कहीं हड्डियाँ होती हैं। एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स। एक अडल्ट बॉडी जो है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि एक बेबी बोन, बेबी की जो बॉडी होती है उसमें 300 बोन्स होती हैं। ये क्यों है? वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर सम ऑफ आवर बोन्स फ्यूज टुगेदर टू मेक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स। ये क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी कुछ बोन्स पिघल कर इकट्ठी होकर एक बड़ी बोन, स्ट्रॉन्ग बोन बन जाती हैं। ठीक है, फ्यूज़ का मतलब है यहाँ पे पिघलना। सो ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑल दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। अगरचे हर एक ऑर्गन का एक स्पेशल काम है, इट आल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड इन ऑर्गन सिस्टम। हर ऑर्गन का एक अपना स्पेशल काम भी है, लेकिन वो ऑर्गन्स के ग्रुप के साथ मिलकर बाकी के काम भी करता है, उसके हिस्से के तौर पे काम भी करता है। दिस इज़ कॉल्ड इन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स का जो ग्रुप मिलकर काम करता है उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क्स टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप जो मिलकर काम करता है एक स्पेशल जॉब कर, ख़ास काम करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टोमिक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका निज़ाम इंतज़ाम है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? स्टोमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? स्टोमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन
फूड की जो नालियां हैं, फूड पाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और मुख्तलिफ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। लाइक हियर इन द पिक्चर यू कैन सी सेल टिश्यू, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सेल जो है वो इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन स्टोमिक एक ऑर्गन है, ठीक है। एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमिक लार्ज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लाइक आपका ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनता है। सो दिस पिक्चर्स शो व्हाट यू हैव लर्न सो फार इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, द स्टोमिक, ऑर्गन सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे इस पिक्चर को देख के आपने ये लर्न कर लिया है कि जो एक चेन है प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम तक, तो वो क्या है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन स्टोमिक बनाते हैं, स्टोमिक जो है वो देन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। सो इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, अ कम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। इसमें आप उजलाती निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक हड्डियों के ढांचे, स्केलेटल का मिलाप और मस्कुलर सिस्टम, जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, उजलाती निज़ाम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियां हो, लाइक हमारा सिर्फ स्केलेटल हो, सिर्फ आपका स्केच हो, ढांचा हो आपका, हड्डियों का पिंजरा हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। सो जो इन दोनों का मसल्स और स्केलेटल का, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल का आपस में कॉम्बिनेशन है, उसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है। यानी कि बोन्स के बगैर मसल्स नहीं कुछ काम कर सकती और मसल्स के बगैर बोन्स कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गो ऑन नेक्स्ट पेज। द स्केलेटल सिस्टम, थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक, सोचें क्या हो अगर, इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी में कोई बोन्स ना हो, सिर्फ गोश्त ही गोश्त, तो मसल्स हों, यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, रन, सिट, स्टैंड, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट और मेक एनी मूवमेंट्स। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मसल्स हों, हड्डियाँ ना हों, तो आप ना तो चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना ही क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल सकते हैं, ना ही कोई मूवमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हम ये एक स्केच है यहाँ पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्कल, ये है स्कल और ये उसकी अपर बोन है, ठीक है, खोपड़ी की जोड़ी होती है। ये रिब्स हैं जो लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ये स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो बैक बोन होती है। फीमर, थाई बोन है ये आपकी, ठीक है, ये बॉडी की लार्ज बोन होती है फीमर, ठीक है। और सबसे स्मॉल बोन होती है आपके कान के अंदर, स्टिरअप। आपने शायद इसके बारे में पीछे पढ़ा होगा, मे बी इस चैप्टर में हम पढ़ें। ओके जी, ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, तमाम हड्डियाँ मिलकर स्केलेटन बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैक बोन्स, ये तमाम जानदारों में प्रेजेंट होती है। स्केलेटन उन तमाम जानदारों का होता है जिनमें बैक बोन होती है, ठीक है। बैक बोन भी स्केलेटन का एक मेजर पार्ट है। इट इज़ अ फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू, ये हड्डियों का एक ढांचा है जो मदद करता है, किन कामों में मदद करता है, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को मजबूती और सहारा देता है। फॉर एग्जाम्पल, द बैक बोन कॉल्ड्स द स्पाइन हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, आपकी जो बैक बोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपको सीधा खड़ा होने में मदद देती है। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी को फ्रेम आउट करती है, लाइक उसको शेप देती है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अलावा आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपके बॉडी के इनर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट, लंग्स एंड आपका जो ब्रेन है, वो बिल्कुल ब्रेन जो होता है, वो जो स्कल की जो बोन होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है बिल्कुल स्क्विशी सॉफ्ट होता है, बिल्कुल पिलपिला, ठीक है, उसको जो प्रोटेक्ट करती है वो स्कल बोन होती है। रिब्स जो हैं आपके लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्ट करती हैं। सो प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स इन द हार्ट,
अच्छा, अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि स्कल जो है, जो खोपड़ी की हड्डी है वो ब्रेन की हिफाजत करती है, रिब केज जो है पसलियाँ जो हैं वो लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, मूव द बॉडी, और इसके अलावा क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम में हम मूव करते हैं, बॉडी मूव करती है। सो व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक बबल मैसेज है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इज योर इन योर बॉडी एज इन साइड योर ईयर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है एंड नोन एज स्टिरअप, जिसको स्टिरअप कहते हैं। वाइल द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन इन योर बॉडी इज योर थाई बोन द फीमर, और आपकी स्ट्रोंगेस्ट और लार्जेस्ट जो बोन होती है वो थाई बोन होती है, जिसको आप फीमर कहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया था अभी। सो ओवर द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, स्केलेटल सिस्टम किस तरह से बना है, कैसे बना। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम जो है वो हड्डियों और जॉइंट्स की मदद से बना है। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट। अच्छा, जॉइंट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। किसकी मदद से मिलती हैं, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, ऐसे टिश्यू की मदद से जिसको लिगमेंट कहते हैं। द लिगमेंट्स जॉइन द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। लिगमेंट जो है वो दो जो जॉइंट्स हैं उनको आपस में, बोन्स जो हैं, बोन्स का जो जॉइंट है उनको आपस में जोड़ते हैं और उनको फॉलिंग अपार्ट यानी उनको अलग होने से रोकते हैं। सो यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप स्केच के अंदर बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट जॉइंट्स, ये देखें, ये आपको एक बॉल नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है और ये आपका हिप जॉइंट है। अच्छा, ये जो जॉइंट्स हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इनकी मदद से आप मूव करते हैं, और इसके ऊपर ये जो है, ये जिसने इनको जोड़े रखा है, इसको और इसको इसके साथ आपस में मिला के रखा है, ये है लिगमेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम टॉक कर रहे थे। सो जॉइंट हैज द बोन्स टू मूव, जो जोड़ हैं वो हड्डियों की मदद करते हैं कि वो मूव करें, बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन तमाम जॉइंट्स मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डू नॉट मूव इन अडल्ट। आपकी खोपड़ी की हड्डी के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं, स्कल के प्लेट्स होती हैं, वहाँ वो जोड़ बड़ों में मूव नहीं करते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ जॉइंट्स जो हैं ऑल डायरेक्शन हर तरफ मूव करते हैं, लाइक ये, ठीक है, शोल्डर, सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर एंड द वन इन योर हिप। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। सो टर्न द पेज। सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, कुछ जो जॉइंट्स हैं वो आपकी बॉडी को सिर्फ, जो जॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फोल्ड होते हैं या मूव करते हैं, लाइक आपका जो घुटना है या बाजू है, अगर बाजू का आप ऊपर करेंगे तो आप उसको पीछे की तरफ, जो आपकी नी में, नी से नी का जो जोड़ है, आप पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते। लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो, यू कैन नॉट मूव देम इन द अपोजिट डायरेक्शन, सच एज जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स को हिंज जॉइंट्स कहते हैं। द मस्कुलर सिस्टम, दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। लाइक जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता, उसको मसल्स की ज़रूरत होती है। व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ, मस्कुलर सिस्टम किससे बनता है, द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, पट्ठों की मदद से बनता है, और गोश्त मसल्स के से मिलकर बनता है। मसल इज अ टिश्यू consisting of sheets and bundles of cells that are capable of contracting to produce movement or tension. अच्छा, टिश्यू मसल जो, मस्कुलर सिस्टम मसल और टेंडन से बनता है, और मसल टिश्यूज़ की एक शीट्स और बंडल ऑफ थ्रेड्स सेल्स के साथ मिलकर बनता है, जो सुकड़ता है किस लिए, मूवमेंट और खिंचाव पैदा करने के लिए। टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, तीन डिफरेंट टाइप्स के मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जांपल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके जो हॉलो ऑर्गन्स, लाइक आपका स्टमक जो है वो अंदर से खाली होता है, जब आप कुछ खाते पीते हैं तो देन उसमें जाता है, ठीक है। इसी तरह इंटेस्टाइन्स होती हैं, फूड की जो नालियाँ होती हैं वो खाली होती हैं, जब खाना वाना आप खाते हैं देन वहाँ पर पास होता है। सो
Smooth muscles are also called involuntary muscles. Involuntary muscles perform their jobs without you even thinking about it. They keep doing their work automatically. Involuntary muscles जो होते हैं वो खुदकार होते हैं, वो अपनी जॉब खुद करते हैं आपके सोचे समझे बिना. They keep doing their work automatically. If they needed your instructions, just imagine. अगर उन्हें आपकी हिदायत की ज़रूरत होती तो सोचिए What could happen? क्या होता If you ate something, अगर आप कोई चीज़ खाते and forgot to instruct your stomach to digest it, और अपने stomach को instruction देना भूल जाते कि इसको digest करो, तो क्या होता? अगर आप कोई खाना खाते, आपके instruction पे आपका stomach चल रहा होता और आप खाना खाते और आप ये भूल जाते कि आपने stomach को ये कहना था कि इसको digest कर लो, तो क्या होता? आपकी तबीयत ख़राब हो जाती, डिसऑर्डर हो जाता. कार्डिक मसल्स, द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डिक मसल्स. लाइक द स्मूथ मसल्स, दे आर इनवॉलंट्री मसल्स. द कार्डिक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड टू ऑफ बीइंग अटैच टू अ बोन. अच्छा, कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर सिस्टम की तरह, स्मूथ मसल्स की तरह होते हैं. सॉरी, कार्डिक मसल्स जो हैं वो भी स्मूथ मसल्स की तरह होते हैं, इनवॉलंट्री, लाइक आपकी इजाज़त के बगैर एवरी टाइम वर्किंग में होते हैं, खुद से काम करते हैं. और द कार्डिक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर. और कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो बजाय इसके कि किसी हड्डी से जुड़े, वो अपने आप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. कार्डिक मसल्स कंट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. कार्डिक मसल यानी कि दिल पहले सिकुड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, देन फिर रिलैक्स करता है, दोबारा से उसमें खून आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर बॉडी में खून जाता है, देन फिर रिलैक्स करता है. स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर जॉइंड टू द बोन्स बाय टेंडन्स. टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बोन्स को जॉइन करते हैं, पट्टे लाइक जिनको आप पट्टे कहते हैं, जो थिक धागों और टिश्यूज़ की शीट्स होती हैं जो आपस में अटैच होते हैं बोन और मसल के साथ. स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये खुद काम नहीं करते. दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव. ये तब मूव करते हैं जब आप चाहते हैं, लाइक आपका हाथ जब तब मूव करेगा जब आप चाहेंगे, आप वॉक तब करेंगे जब आप खुद वॉक करना चाहेंगे. यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू. आप अपने जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं. दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल. दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और मूवमेंट के लिए स्टेबल करते हैं, बरकरार रखते हैं. सो टर्न द पेज. व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स. बोन्स के साथ क्या गलत हो सकता है. एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक. जितनी भी स्ट्रॉन्ग बोन्स हों वो टूट सकती हैं. मसल्स कैन बिकम वीक, मसल्स वीक हो सकते हैं. एंड जॉइंट कैन बी डैमेज बाय इंजरी और डिजीज. बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर. जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं किसी इंजरी के साथ, ज़ख्म के साथ, किसी चोट से या बीमारी की वजह से. और बोन्स जो हैं वो बुढ़ापे में उम्र के साथ साथ वीक हो सकती हैं, जिसके बोन्स कैन ब्रेक फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी. बोन्स जो हैं वो टूट सकती हैं किसी फ्रैक्चर की वजह से, किसी चोट की वजह से. बोन्स कैन बेंड और ब्रेक ईजिली इन ऑल्डर पीपल. बूढ़े लोग जो हैं उनकी हड्डियाँ बेंड हो जाती हैं या टूट सकती हैं. कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग. यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाई डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड. आप अपनी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कैसे. प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करके एंड राइट काइंड ऑफ फूड. और राइट काइंड फूड यानी कि अच्छा खाना, लाइक कौन सा खाना. ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स, कैल्शियम से भरपूर खाना खा के, लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स. अब कैल्शियम रिच फूड्स कौन से हैं. मिल्क, चीज़, योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स. ये जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. सो बच्चों आज के लिए इतना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू सो मच.